रोहित के साथ ऑस्ट्रेलिया ने की घटिया हरकत, तो भड़ के कोहली और गावस्कर। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में हमें रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों को ऐसे धोया कि उन्हें उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन रोहित के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने की ऐसी हरकत जिसकी वजह से बवाल मच गया। वहीं गावस्कर ने भी नाइट मैच में ऑस्ट्रेलिया को लताड़ लगा दी। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। पिच सपाट था और इसका कंगारुओं ने पूरा फायदा उठाया। शुरू में डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, फिर स्मिथ और लबुशेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया। हालांकि अंतिम ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 352 रनों पर रोक लिया, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया आराम से 400 रनों तक पहुंच सकती थी। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। वहीं इसके बाद 353 रनों का बड़ा लक्ष्य का पीछा करने पुत्री टीम इंडिया के लिए आज रोहित के साथ वाशिंगटन सुंदर ओपनिंग करने आए। लेकिन टीम इंडिया को ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया। सुंदर 30 गेंदों में 18 रन की एक धीमी पारी खेलकर आउट हुए। हालांकि आज कप्तान रोहित कुछ अलग ही मूड में थे। उन्होंने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया, खास करके मिचेल स्टार्क को। स्टार पे उन्होंने आड़े हाथों ले लिए और छक्के पे छक्के जड़े। वहीं सुंदर के आउट होने के बाद रोहित को कोहली का भी अच्छा साथ मिला। रोहित ने मात्र 31 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। वहीं देखते ही देखते कोहली और रोहित ने 16 ओवर में ही भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। रोहित आज ऑस्ट्रेलिया के लिए काल बढ़कर आए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन फिर 21वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने एक तगड़ा शॉट लगाया। शॉट देखकर ऐसा लगा गेंद 4 रन के लिए चली गई, लेकिन गेंद तो मैक्सवेल के हाथों में ही चिपक गई और रोहित कैच आउट हो चुके थे। कैच पकड़ने के बाद खुद मैक्सवेल को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने इस कैच को कैसे पकड़ लिया। बता दें, रोहित ने 57 गेंदों में 81 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं दोस्तों, रोहित को आउट करने के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने एक घटिया हरकत की। दरअसल जब उन्होंने रोहित का कैच पकड़ा तो वो उन्हें इशारा कर सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर जाने को कह रहे थे। वहीं पैट कमिंस रोहित के ऊपर हंसते हुए दिखाई दिए। हालांकि उस वक्त रोहित ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप पवेलियन की ओर बढ़ गए। वहीं विराट कोहली भी ऑस्ट्रेलिया टीम की इस हरकत से खुश नहीं थे। रोहित ने दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपनी बल्लेबाजी से काफी फ्रस्ट्रेट किया था और उनकी फ्रस्ट्रेशन उनकी हरकतों से साफ नजर आ रही थी। वहीं कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर को भी ऑस्ट्रेलिया की ये हरकतें पसंद नहीं आई। गावस्कर ने कहा कि रोहित ने आज शानदार बल्लेबाजी की है। उनकी बल्लेबाजी से साफ दिख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि वो बेहद ही आसानी से छक्के चौके लगा रहे थे। अगर रोहित क्रीज पर ज्यादा देर टिक जाते तो वो अकेले के दम पर ही भारत को मैच जिता देते। ऐसे में ये विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी बड़ा था, लेकिन रोहित को आउट करने के बाद उनका सेलिब्रेशन सही नहीं था। आप मानते हैं कि आपको बड़ा विकेट मिला है, लेकिन इस तरह इशारा करना सही नहीं है। वो तो रोहित थे तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं था, अगर कोहली होते तो वो ऑस्ट्रेलिया को बराबर जवाब देते। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की इस गलत हरकत पर आपकी क्या राय है? ये सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं।